हेलो दोस्तों, मैं हूँ एलसी यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना से। आज के इस लेक्चर में हम हर्बर्ट साइमन के बारे में बात करेंगे। पिछले जो चार वीडियो हैं वो हमने चेस्टर बर्नार्ड की थ्योरी पर आधारित थे और चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा दिए गए सिद्धांतों के बारे में बात की थी, और इस लेक्चर में हम हर्बर्ट साइमन जो व्यवहारवाद के अग्रणी थिंकर थे उनके बारे में बात करेंगे। पूरा हर्बर्ट साइमन के पूरे विचार हम इस एक वीडियो में नहीं पढ़ा सकते, इसलिए हम इस श्रेणी में जितने भी तीन चार या पांच वीडियो होंगे उसमें बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम हर्बर्ट साइमन का परिचय, साइमन का तार्किक प्रत्यक्षवाद और निर्णयों पर साइमन के विचार कि जैसे निर्णय क्या है, निर्णय की संरचना कैसी होती है, निर्णय करने की प्रक्रिया क्या होती है और निर्णय के क्या प्रकार होते हैं, डिसीजन मेकिंग के प्रकार जैसे प्रोफेशनल डिसीजन और प्रोग्राम डिसीजन और नॉन प्रोग्राम डिसीजन के बारे में भी इस वीडियो में आपसे रूबरू होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं हर्बर्ट साइमन के परिचय की। हर्बर्ट साइमन मुख्य रूप से व्यवहारवाद का, जब लोक प्रशासन में व्यवहारवाद की बात करते हैं तो हर्बर्ट साइमन का सबसे पहले नाम आता है। हर्बर्ट साइमन व्यवहारवाद में चेस्टर बर्नार्ड इनके पीछे रह गए, क्योंकि हर्बर्ट साइमन ने सबसे ज़्यादा कम से कम 8 पुस्तक इसमें इस व्यवहारवाद पर निकाली थी और इन पर काफ़ी अच्छा अपना विवरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने क्लासिकल थिंकर के जो योगदान था उसको एकदम से सिरे से नकार दिया था और जो क्लासिकल थिंकर्स ने जो सिद्धांत दिए थे उनको मुहावरे कहा था, मतलब एक ऐसे मुहावरे जो एक दूसरे का ही विरोध करते हैं। इसलिए उन्होंने इस टिप्पणी से ये सिद्ध होता है कि उन्होंने एक तरह से जो प्रत्यक्ष जो क्लासिकल थिंकर का जो योगदान है उसको पूर्णतया से खारिज कर दिया था। और जो हर्बर्ट साइमन थे उनके विचार हैं वो जैसे एल्टन मेयो है, चेस्टर बर्नार्ड है, मैरी पार्कर फॉलेट है, इनके विचारों से काफ़ी प्रभावित थे वो और उन्हीं के विचारों को एक आगे की कड़ी में बढ़ाया था। साइमन ने वैसे राजनीति विज्ञान में शिक्षा प्राप्त की थी लेकिन ज्ञान के समर्थन में सांगठनिक विश्लेषण की ओर उन्होंने आकर्षित किया। संगठन के बारे में तत्कालीन समय में प्रचलित सिद्धांतों और व्यवहारों के अध्ययन करने के बाद साइमन ये निष्कर्ष निकाला कि शास्त्रीय सिद्धांत कई अंतर्विरोधों और अंतरताओं का सम्मिश्रण है और उन्होंने एक तरह से इनको ऐसे मुहावरों की संज्ञा दी जो एक दूसरे से क्या है, अंतर्विरोधी हैं। साइमन ने शास्त्रीय विचारकों को सार्वभौमिकतावाद और विज्ञानवाद को भी अस्वीकार कर दिया। उन्होंने जो साइमन ने बताया कि जो शास्त्रीय चिंतक कह रहे हैं कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है, लोक प्रशासन में सार्वभौमिकता है, तो उनको भी उन्होंने नकार दिया कि जब तक तार्किक प्रत्यक्षवाद नहीं आ पाता तब तक किसी भी विज्ञान की हम कल्पना नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन में अभी तार्किक प्रत्यक्षवाद की कमी है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि तार्किक प्रत्यक्षवाद को लाया जाए। और इसी कड़ी में साइमन आगे विश्लेषण के लिए तार्किक प्रत्यक्षवाद और डिसीजन मेकिंग पर काफ़ी अपना कार्य करते हैं। तो आइए हम आज बात करते हैं साइमन के तार्किक प्रत्यक्षवाद की। प्रत्यक्षवाद क्या है सबसे पहले ये समझना चाहिए। प्रत्यक्षवाद का अर्थ यह होता है कि किसी भी वस्तु स्थिति पर जाकर वहाँ की उस वस्तु स्थिति का निरीक्षण प्रत्यक्ष रूप से करना और मूल्य रहित होकर, मूल्य निरपेक्ष होकर और जो अनुभव किया जाए उसी के आधार पर करें, तो वो तार्किक प्रत्यक्षवाद है। मूल्य निरपेक्ष यानी फ्री फ्रॉम लव बायस एंड हेट, व्यक्ति को किसी भी प्रकार से किसी से प्यार घृणा या द्वेष की वजह से कभी भी उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। इन मूल्यों से ऊपर उठकर बिल्कुल निरपेक्ष होकर वस्तु स्थिति का अवलोकन करना चाहिए और तथ्य आधारित जो फैक्ट्स हैं उनके आधार पर अगर आपने वो करोगे तो हम कह सकते हैं कि हम प्रत्यक्षवाद की ओर बढ़ रहे हैं।
साइमन ने शास्त्रीय विचारधारा की आलोचना आनुभविक शोध के अभाव में की और उन्होंने निष्कर्ष दिया कि जब तक लोक प्रशासन तथ्याधारित और मूल्य निरपेक्ष शोध को नहीं अपनाता तब तक इसकी वैज्ञानिकता संदिग्ध ही रहेगी। इसके लिए साइमन ने तार्किक प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी थी जिसकी मूल जड़ें प्रसिद्ध समाजशास्त्री जेवियर अगस्त कॉन्ट के लेखन में निहित है। प्रत्यक्षवाद शब्द सबसे पहले सेंट साइमन ने दिया था जबकि इसका पूर्ण विश्लेषण जेवियर अगस्त कॉन्ट द्वारा किया गया और यहीं से अगस्त कॉन्ट की जो प्रत्यक्षवाद की अवधारणा है उसी को साइमन आगे बढ़ाई थी। उन समय में समाज वैज्ञानिकों ने प्रचलित शोध परंपरा की वैज्ञानिकता पर प्रश्न चिन्ह किया और रेखांकित किया कि यदि समाज विज्ञानों में हमें प्राकृतिक विज्ञान जो वैज्ञानिक विषय होते हैं वाली सटीकता और सार्वभौमिकता हमें प्राप्त करनी है तो इसके लिए प्रत्यक्षवाद को शोध प्रवृत्ति के रूप में अपनाना आवश्यक है। सरल शब्दों में अगर हम प्रत्यक्षवाद को कहें तो वस्तु स्थिति पर जाकर तथ्य आधारित और मूल्य निरपेक्ष शोध करें तो हम उसको प्रत्यक्षवाद कह सकते हैं। इसी संकल्पना को साइमन ने लोक प्रशासन में तार्किक प्रत्यक्षवाद के रूप में अपनाया और रेखांकित किया कि लोक प्रशासन में वास्तविक विज्ञान का विकास तभी संभव है जब हम तार्किक प्रत्यक्षवाद को एक शोध प्रविधि के रूप में अपनाना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार उन्होंने तार्किक प्रत्यक्षवाद पर विशेष रूप से जोर दिया था। इसके बाद में उनका विचार था कि लोक प्रशासन के विज्ञान पर साइमन क्या विचार देते हैं, लोक प्रशासन को एक विज्ञान के रूप में कैसे विकसित किया जा सकता है इसके बारे में साइमन बात करते हैं। लोक प्रशासन के विज्ञान हेतु साइमन का जो योगदान है वो बहुत ही अद्वितीय है। साइमन ने लोक प्रशासन के विज्ञान का विकास करने के लिए दो स्तरीय रणनीति प्रस्तुत की थी। पहली थी प्रशासन के व्यवहारिक विज्ञान का विकास करना और दूसरा प्रशासन का समाजशास्त्र विकसित करना। साइमन के अनुसार एक और प्रशासन का व्यवहारिक विज्ञान विकसित करना चाहिए जिसमें व्यक्तिगत प्रशासकों के निर्णयों से आंकड़े एकत्रित होने चाहिए और इन आंकड़ों के विश्लेषण से कुछ निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए जो कार्यरत प्रशासकों को निर्णय इत्यादि में सहायता करें। तो ये तो हो गया व्यवहारिक विज्ञान। अतः एकल प्रशासकों के अध्ययन को प्रशासन का व्यवहारिक विज्ञान विकसित होना चाहिए। जैसे कि कुछ भी व्यक्तिगत प्रशासक हैं वो निर्णय लेते हैं उनके आंकड़े इकट्ठे कर लेने चाहिए और उन पर आधार पर हमें आगे कार्य करने चाहिए और उन आधारों पर हमें व्यवहारिक विज्ञान विकसित करनी चाहिए। दूसरा समाजशास्त्र कैसे विकसित करें कि जो समूह में या रिसर्च के स्तर पर जो अध्ययन किए जाते हैं उन अध्ययनों के आधार पर सांगठनिक सुधार हेतु जो प्रयास किए जाएंगे उसको हम सम उससे प्रशासन का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण विकसित होगा और इस आधार पर वैज्ञानिकों के दो समूह उभरे। जिन चिंतकों ने एकल प्रशासकों का अध्ययन किया वे एकल व्यवहारवादी कहलाए जैसे कि बर्नार्ड है साइमन है जबकि जिन चिंतकों के समूह में अध्ययन किया या समूह को महत्व दिया वे समूह व्यवहारवादी कहलाए। मास्लो है मैग्रेगर थे क्रिस अरग्रीस हर्जबर्ग जिनका हम आगे सामाजिक समाज मनोवैज्ञानिक जो संकल्पना है उसके उसमें इन चिंतकों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद में आते हैं साइमन का निर्णय पर विचार। साइमन के निर्णयन पर क्या डिसीजन मेकिंग पर क्या विचार है साइमन के अनुसार निर्णय क्या होता है। निर्णय की उन्होंने परिभाषा दी कि जब दो या दो से अधिक विकल्पों में से इष्टतम या सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना ही निर्णय है। निर्णय किसे कहेंगे जो सबसे सुंदर परिभाषा है साइमन की उन्होंने कहा कि दो या दो से अधिक जो विकल्प हमारे पास उपस्थित होंगे उन विकल्पों में से जो सबसे अच्छा विकल्प या इष्टतम अपनी दृष्टिकोण से विकल्प होगा उसका चयन करना एक तरह से निर्णय है। साइमन ने निर्णय की संरचना का भी विश्लेषित किया और साइमन के अनुसार प्रत्येक निर्णय तथ्य प्रिमिसेज और वैल्यू प्रिमिसेज का तार्किक संयोजन होता है। साइमन के अनुसार तथ्य यथार्थ के अभिव्यक्ति होते हैं फैक्ट्स जो भी होते हैं वो हमें जो वस्तु स्थिति पर जाकर देखने होते हैं और वो एक तरह से यथार्थ हमारी रियलिटी क्या है वो अभिव्यक्त करते हैं जबकि मूल्य होते हैं वो हमारे रुचि की प्राथमिकता होते हैं और रुचि को अभिव्यक्त करते हैं क्योंकि तथ्यों को तो हम नाप तोल सकते हैं देख सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो एक जैसे होंगे और
एक तरह से ऑब्जेक्टिव होंगे, लेकिन मूल्य प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। मूल्यों के अनुसार व्यक्ति का की रुचि होती है, उस रुचि अपनी रुचि को वो प्राथमिकता देते हैं। इसलिए मूल्य हमेशा वस्तुनिष्ठ न होकर व्यक्तिनिष्ठ या सब्जेक्टिव होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से मूल्यों का आकलन करता है। तो जो साइमन है उसको इस डायग्राम, साइमन के जो निर्णय के विचार हैं वो हम इस डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं कि निर्णय क्या है, निर्णय किसे कहेंगे, निर्णय कितने प्रकार का होता है और निर्णय की प्रोसेस क्या होती है, यह हम देखेंगे। निर्णय के बारे में हम देख चुके हैं कि दो या दो से अधिक विकल्पों में से अगर इष्टतम तार्किक विकल्प का चयन करते हैं तो वो निर्णय है। निर्णय की संरचना दो तथ्यों पर आधारित होती है, एक तो फैक्ट्स पर और एक वैल्यूज़ पर। फैक्ट यथार्थ की अभिव्यक्ति और ऑब्जेक्टिविटी दर्शाते हैं, जबकि मूल्य हैं वो रुचि की अभिव्यक्ति और सब्जेक्टिविटी दर्शाते हैं। जबकि निर्णय की प्रक्रिया, निर्णय खुद तीन प्रक्रिया से होकर गुजरता है, अन्वेषण की प्रक्रिया, प्रारूपण की प्रक्रिया और चयन की प्रक्रिया। और खुद अन्वेषण है वो फिर तीन प्रक्रियाओं में, अन्वेषण, प्रारूपण और चयन, फिर उसके आगे ये एक कड़ी के रूप में चलता रहता है। और निर्णय दो प्रकार के होते हैं, प्रोग्राम्ड निर्णय और नॉन प्रोग्राम्ड निर्णय। तो इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले साइमन ने रेखांकित किया था कि निर्णय का मूल्य प्रतिज्ञप्तियों या प्रमिजन्स अपने अंतिम लक्ष्यों, साध्य के चयन से संबंधित होते हैं, जबकि तथ्य प्रतिज्ञप्तियाँ होती है वो साधन के चयन से संबंधित होते हैं। लेकिन साइमन ने बताया कि तथ्य और मूल्य में पृथक्करण आसान नहीं है, क्योंकि कई बार मूल्य तथ्यों से निर्धारित होते हैं। पुनः यद्यपि मूल्य अंतिम लक्ष्य चयन से संबंधित होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये लक्ष्य किसी नए लक्ष्य के लिए एक साथ बन सकता है। जैसे हम उदाहरण से समझें कि किसी अभ्यक्ति के लिए चयन से पूर्व IAS बनना अंतिम लक्ष्य हो सकता है, लेकिन चयन के उपरांत ये सेवा अन्य लक्ष्यों जैसे कि विदेश अध्ययन, राजनीति, समाज सेवा या प्रशासनिक सुधार आदि के लिए, आदि की प्राप्ति हेतु एक साधन बन सकता है। साइमन ने निर्णय की प्रक्रिया का विश्लेषण किया और रेखांकित किया कि निर्णय की प्रक्रिया में अगर लिखित चरण होते हैं, एक होता है अन्वेषण, दूसरा होता है डिजाइन और तीसरा होता है सिलेक्शन। अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन में की प्रक्रिया के द्वारा निर्णयकर्ता समस्या का अध्ययन करता है, समस्या से संबंधित सभी सूचनाएं एकत्रित करता है और निर्णय के लिए आर्थिक राजनीतिक वातावरण का अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए यदि कोई निवेशक अपनी अतिरिक्त पूंजी को उपयोग में लाना चाहता है तो वह निवेश हेतु आर्थिक और राजनीतिक वातावरण की उपयुक्तता इत्यादि का अध्ययन इस चरण में करेगा। फिर होता है डिजाइन। इस चरण में निर्णयकर्ता जो भी समस्या समाधान की, सभी जो भी हमने समस्या रेखांकित की है जो इन्वेस्टिगेशन के समय, उन समस्याओं के समाधान के लिए जितने भी संभावित विकल्प हैं उन सभी संभावित विकल्पों का विकास करेगा, उनकी लागत लाभ के आधार पर आपस में तुलना करेगा। अगर हम उदाहरण से देखें तो उपरोक्त उदाहरण को आगे दें कि निवेशक विभिन्न निवेश विकल्पों जैसे कि शेयर बाजार है, फिक्स डिपॉजिट है, रियल एस्टेट, संयुक्त उद्यम इत्यादि के का अध्ययन करेगा और इन विभिन्न विकल्पों की परस्पर लागत और लाभ के आधार पर तुलना करेगा और उसके बाद में चयन की प्रक्रिया आएगी। चयन की प्रक्रिया में निर्णयकर्ता जो ऊपर विकल्पों का डेवलपमेंट किया उसने, उन्हीं विकल्पों में से इष्टतम विकल्प जो भी उसे उपयुक्त लगेगा उस विकल्प का चयन करेगा। जैसे उपयुक्त उदाहरण की बात करें तो उपरोक्त निवेशक शेयर बाजार को अंतिम विकल्प के रूप में चुन सकता है, क्योंकि वो लागत लाभ के आधार पर अगर तुलना करता है तो शेयर बाजार में उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता दिखता है, तो इस प्रकार वो इसका चयन कर लेगा। अब इसको एक इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन, डिजाइन और सिलेक्शन की जो तीन प्रोसेस होती है निर्णय की प्रक्रिया करने में, उनमें ये एक जितनी आसान ये दिख रही है उतनी आसान होती नहीं है। जबकि ये व्हील विथ इन व्हील यानी चक्र के अंदर चक्र,
चक्र के अंदर चक्र वाली प्रोसेस से गुजरता है कि अन्वेषण खुद है, उसको भी अपने स्तर पर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन, डिजाइन और चॉइस करनी होती है। फिर उनके अंदर भी इन्वेस्टिगेशन, डिजाइन और चॉइस चलती रहती है। ठीक उसी पर डिजाइन स्तर पर भी इन्वेस्टिगेशन, डिजाइन, चॉइस चलती है, और चयन के स्तर पर भी इन्वेस्टिगेशन, डिजाइन और चयन की प्रोसेस चलती रहती है। इस प्रकार हम कहें कि साइमन के अनुसार ये प्रक्रिया ऊपरी तौर पर से देखने से सरल लगती है, लेकिन ये सरल नहीं होती। निर्णय प्रक्रिया की प्रत्येक चरण में पुनः ये तीनों चरण निहित होते हैं, और कई बार एक चरण पूरा होने के बाद पुनः नए चरण में प्रवेश करना पड़ता है। जैसे हम उसी उदाहरण को अगर आगे बढ़ाएं तो हम देखते हैं, यदि निवेशक शेयर बाज़ार को अंतिम विकल्प के रूप में चुनता है तो पुनः उसे शेयर बाज़ार में सर्वोत्तम कंपनी के चयन हेतु अन्वेषण भी करना पड़ेगा, प्रारूपण भी करना पड़ेगा और चयन की प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। ये प्रक्रिया यहीं पर समाप्त नहीं होगी, बल्कि किसी एक सर्वोत्तम कंपनी का चयन कर लेने के बाद उसे पुनः अन्वेषण, प्रारूपण, चयन से गुजरना होगा, ताकि इस सर्वोत्तम कंपनी के इस इकाई का चयन कर सकें जो निवेश की दृष्टि से सर्वोत्तम है। यदि निवेशक टाटा समूह को सर्वोत्तम विकल्प के रूप में चुनता है तो पुनः उसे टाटा समूह की विभिन्न इकाइयाँ, जैसे कि टाटा इंडिकॉम, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, इनमें से किसी एक विकल्प को चयन करना होगा। इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये जितनी आसान दिखती है उतनी नहीं होती, बल्कि व्हील विद इन व्हील की प्रोसेस से ये गुजरता है। अतः निर्णय एक जटिल प्रक्रिया है, जितनी दिखती है उतनी आसान होती नहीं है। तो आज हमने इस वीडियो में निर्णय क्या है, निर्णय की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में देखा, साइमन के परिचय के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो में हम निर्णय के प्रकार और आगे के जो विचार हैं साइमन के, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।